नहीं जी, ये दूध रखने वाली बड़ी यूनिक सी चीज है। अगर आप वैसे देखे, मैंने यूं लगे जैसे टूटा हुआ है ये, इसका जरा अंदाज देखे। हाँ जी, बाल्टी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लीजिए जी, हम अदारा तहकीकात अफजाइश हैवानात बहादुर नगर उकाड़ा यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये भाई हमें लेने के लिए आए हैं आगे से, क्योंकि इन्होंने हमें दावत दी थी कि आप वहाँ पे हैं बहादुर नगर, तो हम इनकी दावत पर मैं और सलमान शेख यहाँ पे आए हैं। तो अब हम उस रोड पे जा रहे हैं जो कि बहादुर नगर फार्म की तरफ जाता है, तो वहाँ चल कर मजीद बात हो। के बारे में पांच पांच ग्लास में ग्लास अच्छा, ये काम आती है जी। ये अच्छा, और बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ हो जाती है। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे किया गया कुछ ही दिन पहले, यहाँ पे सेमिनार था। यानी इसका मतलब ये है कि बहादुर नगर में जो चारा होता है वो यहीं पे तैयार होता है, आपका मतलब ये है? हाँ जी, चारा भी यहीं पे होता है, मिल भी यहीं पे, अंडा भी यहीं पे तैयार होता है, जबरदस्त यही भी तैयार होता है। कमाल है। वैसे लोग सिर्फ बहादुर नगर के नाम से जानते हैं दूध के, जी हमने दूध लेना है, गाड़ी आनी है बहादुर नगर की। अब ये नहीं पता कि बहादुर नगर में वो दूध जो है जो भैंसे दे रही है उनकी कितनी खिदमत की जाती है, उनके लिए कितनी जगह मुख्तस की गई है। अपना ही चारा बनाया जाता है, अपना ही वंडा बनाया जाता है, और वंडे के बारे में तो ज्यादा गांव के लोग ही जानते हैं कि वंडा कहते किसको है, ये भी उनकी एक खुराक होती है। तो अब पंजाबी में जो वंडा बनाया जाता था ना गाँव में, वो तो एक खल होती थी, उसमें बनौला डाला जाता था और इस तरह की कुछ चीजें होती थी उसमें। बहादुर नगर का ही एरिया है और बड़ा खूबसूरत एरिया है, उकाड़ा के बिल्कुल करीब है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको थोड़ा टाइम भी निकालना पड़ेगा और इजाज़त भी लेनी पड़ेगी मेरा ख्याल है। क्यों जी, इजाज़त लेनी पड़ेगी? नहीं, इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। आप आए और यहाँ का विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको जो दूध मिलता है शहर में बहादुर नगर फार्म की गाड़ी से, वो यहाँ से सप्लाई होता है। ये जी बहादुर नगर गाँव है। लो जी, गाँव के बारे कुछ दसोगे जी? कितना बड़ा गांव है? कितना बड़ा गांव है ये? कितना बड़ा गांव है ये? गांव का कुछ रकबा वगैरह तो पता नहीं है, लेकिन ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा, एक तरफ गांव वाली साइड है, एक तरफ क्वार्टर वाली साइड है। अच्छा, क्वार्टर में जो सरकारी मुलाजमीन वगैरह है वो रहाइश करते हैं जी, और ये जो गाँव है ये वैसे गाँव बना हुआ है, लोग यहाँ पे जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं परमानेंट जो यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आ चुके इतवार है और ये बच्चे यहाँ पे ना इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चले जाए हम तो लिखा हुआ वेलकम खुश आमदीद आप, ये वेलकम की। हाँ जी, वैसे कुछ पूछता तो नहीं है। हाँ जी, अच्छा ये फार्म का एरिया शुरू हो जाता है ये? हाँ, ये खुश आमदीद, ये बहादुर नगर फार्म जो है ना, हम उसमें एंटर हो जाते हैं यहाँ से। ये जी बहादुर नगर का एरिया है और खूबसूरत मस्जिद और उसका मीनार आपको नजर आ रहा है। ये मस्जिद अभी ज़ेर तामीर है। अच्छा, मदरसा है ख़वातीन के लिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जी। और ये स्कूल है क्या ये वाला? ये स्कूल नहीं है, ये अच्छा दफ्तर है, सुप्रिंटेंडेंट का ऑफिस वगैरह यहाँ। अच्छा अच्छा, सुप्रिंटेंडेंट का ऑफिस है। ये फीड मिल आ गई, यहाँ पे वंडा बनता है। ये दो हिस्सों में ये भी मिल है, ये दो हिस्सों में मिल है जी, और यहाँ पे वंडा बनता है। और ये भी बहादुर नगर फार्म जब आप एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे ये सारा कुछ ना इस तरह। ये नहीं जी, क्योंकि सारा विजिट करेंगे ये हमारे मेजबान है, ये मेजबान है हमारे, ये हमारे मेजबान जो है वो हमें पूरा विजिट कर रहे हैं। फिर आपको तसल्ली से सुरक्षित जाने के लिए बाइक की जरूरत होगी, उससे आगे फिर हम पैदल करेंगे। तीन बजने की बात है। लें जी, ये जो अंदरूनी जगह है उसकी बहादुर नगर की, यहाँ पे दूध जो धोया जाता है मशीनों के जरिए, जो अंदरूनी जगह है उसकी बहादुर नगर की, यहाँ पे दूध जो धोया जाता है
मशीनों के जरिए, मशीनों के जरिए धोते हैं ना यहाँ? मशीनों के खराब होने शुरू हो गए थे। अच्छा, वो हाथ से यहाँ पे, यानी कि लोग हैं वो यहाँ पे दूध इनका धोते हैं, यानी कि जिसको पंजाबी में दूध चोया जाता है, तो उसके बाद ये यहाँ से सप्लाई होता है शहर को और मुख्तलिफ इलाकों को। ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अच्छा, वो ठंडा करने के लिए यहाँ पे चीले बना हुआ है, यहाँ से फिर आगे जो सप्लाई होता है वो नेस्ले वालों को जहाँ पे होता है। अच्छा, जो उनसी कंपनी भी लेना चाहे वो यहाँ से लेती है फिर आगे, और इसी तरह ही शहर भी चला जाता है। हाँ जी, सही हो गया। ये शाम तक चार सेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं, उसकी तरफ जो तोड़ी वगैरह पड़ी होती है उनको खाने पीने के लिए जाती है, वो परली तरफ है वो फिर बंद होते हैं। इसमें जी ये दूध रखने वाली बड़ी यूनिक सी चीज है, अगर आप वैसे देखें मैंने यूं लगे जैसे टूटा हुआ है ये, इसका जरा अंदाज देखें। बाल्टी है। हाँ जी, बाल्टी अंदर ताकि बाय वायर ना गिरे। हाँ हाँ हाँ, बड़ी जबरदस्त बनाई यार इन्होंने। ले जी, यहाँ जो बहादुर नगर फार्म में भैंस और गाय है उनके लिए यहाँ पे चारा तैयार किया जाता है। ये वाली ऑटोमेटिक मशीने लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मशीने लगी हुई। हाँ, ये आपको गाय भी दिखाते हैं यहाँ पे, गाय गाय की बहुत अच्छी नस्ल बंधी हुई है ये वाली, और ये सारी दूध के लिए है। लो जी, ये आ रही है पास से वाले जी, खड़ी हो गई है वो, देखो सारी बैंक से खड़ी हो गई है, खड़ा होना शुरू हो गई है वो, देखो डरती है। अच्छा, सारी भैंसें वगैरह ही है। हाँ, ये इनके सेक्शन वगैरह भी लिखे हुए हैं आगे मेरा जी। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इनकी क्लास वगैरह ये वो। क्लास से मुराद अब हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वंडा कौन सा डाला जाता है, सबल चारा, ये कौन सी हाँ जी, कौन सा ऑफिसर है, कैटल सेक्शन है ये इनके। हाँ जी, नहीं जी, हम जो बहादुर नगर का वो एरिया है जहाँ पे भैंसें वगैरह बंधी होती हैं, दूध धोया जाता है फिर उसको आगे सप्लाई किया जाता है, उस एरिए से हमें, मुझे सलमान शेख को और हमारे जो मेजबान है जी, अपना नाम बताइएगा। एहतशाम अहमद जी। एहतशाम साहब हैं, और आप? मोहम्मद वलीद। मोहम्मद वलीद साहब, और इन्होंने हमें खसूसी तौर पे कहा था कि आप उधर का विजिट करें, तो हम इनकी दावत पे आए थे। हमें सबको यहाँ से इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में हम आपको मजीद किसी एरिए की जो विजिट करवाते हैं, सैर करवाते हैं वहाँ का। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलामु अलैकुम।